हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, ये हमारा सेकंड पार्ट है 2018 का, जो डीएलएड का एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था उसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो पहले बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम लघुत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो लघुत्तरीय प्रश्न क्या है, इससे पहले हमने पहले पार्ट में देखा किसका, बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का सोल्यूशन। तो इसमें देखने वाले हैं हम लघुत्तरीय प्रश्नों का सोल्यूशन। प्रश्न नंबर 12 से लेकर जो 18 तक है, ये दो नंबर के पूछने प्रश्न हैं। कितने नंबर के पूछे जाएंगे फ्रेंड, ये दो नंबर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला प्रश्न है चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का। हमको फार्मूला लिखना है और साथ साथ जिसमें जो प्रतीक इस्तेमाल हुए उसको भी, उसका अर्थ भी हमें बताना है। तो क्या हम जानते हैं वो क्या होता है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है ए इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 क्या होता है, यानी या टी। तो यहाँ पे ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट, हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन, पी को बोलते हैं मूलधन और आर को बोलते हैं दर और टी को बोलते हैं समय। तो यानी किसी को हमको इस प्रकार लिखना है, किसी को समझाना है नीचे जिस प्रकार यहाँ पे लिखा गया उस तरह का, उसी तरीके से आपको भी लिखना होगा। ए को क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन, पी को क्या बोलेंगे, मूलधन, आर को बोलेंगे दर और टी को बोलेंगे समय। यही आपको लिखना है, इतना लिख देते हैं आपको दो नंबर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं फ्रेंड 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर में आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब देखिए, ये स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है उस प्रकार ये तो नहीं है। अब थोड़ा सा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से इसको हम अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए स्क्वायर, इसे बोलते हैं ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो हमारा जहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन में आगे जो होता है प्लस होता है, यानी कहीं ना कहीं इसको भी हमको प्लस बनाना होता है। तो हम प्लस बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्क्वायर लेना है, फिर इसको एक्स वाला लेना है, फिर हमें कॉन्स्टेंट वाला लेना है। तो वही हमने पहले इसको अरेंजमेंट कर लिया, अरेंजमेंट क्या किया, पहले एक्स स्क्वायर वाला ले लिया, फिर 5x लिया, फिर 14, क्योंकि जो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ पे जो होता है यहाँ पे प्लस होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना हमको यहाँ पे प्लस लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को कॉमन कर लेंगे। जो हम किसी भी माइनस को कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, तो अंदर के साइन जितने भी होते हैं सब चेंज हो जाते हैं। या अगर ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करते तब भी अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर फिर ब्रैकेट लगाते हैं और क्या करना है हमको, माइनस अगर माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के फिर तब भी ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होते हैं। यानी दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ब्रैकेट ओपन करिए अगर माइनस का साइन है तब भी ब्रैकेट का जो अंदर के साइन होंगे चेंज होंगे, और आप ब्रैकेट अगर लगा भी रहे हैं और अगर आप माइनस कॉमन कर रहे हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या किया गया यहाँ पे, जब ब्रैकेट लगाए माइनस कॉमन किया तो अंदर के सभी साइन होंगे चेंज हो जाएंगे, यानी जो प्लस होगा वो माइनस, माइनस वाला प्लस। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्स माइनस का था ये प्लस में हो गया, ये प्लस माइनस में था ये प्लस में हो गया, ये प्लस क्या था ये माइनस का हो गया। अब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। अब हमारा जब स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा तो फ्रेंड इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस 5 को 2 भागों में तोड़ना होता है। आप सभी जानते हैं किस हिसाब से, यानी कि किस प्रकार से तोड़े कि यहाँ पर गुड़ा उड़ा करने पर 14 आ जाए और जोड़ने घटाने पर क्या हो जाएगा, बीच में 5 आए। अगर आपको यहाँ पे माइनस का साइन दिख रहा है तो आपको समझ ले जाना है कि आपको घटाने के बाद ही आएगा। तो हम 2 से शुरू करते हैं, 2 का पहाड़ा पड़ती है 14, यानी 2 × 7 = 14 हो रहा है, 2 × 7 = 14 आ रहा है। लेकिन हमें 14 क्या 2 में से 7 घटा रहे हैं तो बीच की संख्या 5 आ रही नहीं आ रही है। अब इसका थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं, यानी 7 को पहले गुणा कर देते हैं और 2 को, तो 7 × 2 = 14 आ रहा है। 7 में से अगर 2 घटाते क्या 5 आ रहा है, आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा ये जो ये 2 पार्ट होंगे कौन होंगे, 7 - 2, यानी 5 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, 5 की जगह पे हम 7 - 2 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 5 की जगह पे 7 - 2 लिख दिया, और जो एक्स था एक्स को यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या करेंगे हम, अगला हमारा स्टेप होना चाहिए जो एक्स का होगा अंदर गुणा कराते हैं। तो हमने क्या कराया, 2 के साथ भी गुणा करा दिया एक्स का और 7 के साथ भी एक्स का गुणा करा दिया। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होना चाहिए फ्रेंड, क्या करना है कि 2 - 2 का पेयर बनाते हैं। जब 2 - 2 का पेयर बना लेंगे तो हमें जो चीज़ कॉमन मिलती है निकाल लेते हैं कॉमन से बाहर। तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, एक एक्स बाहर निकाल लिया तो यहाँ से एक एक्स चला गया, तो एक एक्स बचा, यहाँ पे एक एक्स निकला तो सिर्फ 7 बचा। इसी प्रकार हम यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन कर देते हैं,
हमने कहा अगर माइनस लगा कॉमन कर देते हैं या ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो अगर माइनस का दो कॉमन करेंगे यहाँ पे कोई हक्स है नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या प्रिंट कॉमन होगा, माइनस का टू कॉमन होगा। जब माइनस का टू कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से टू बाहर निकल जाएगा और 14 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी 7 यहाँ बचेगा अंदर, और जो माइनस का जब बाहर निकालेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज, यानी कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब इस प्रकार हम देखेंगे इस ब्रैकेट में सेम वैल्यू आएगी, इस ब्रैकेट में सेम वैल्यू आएगी। इसके आपको क्या करना है कि जो सेम वैल्यू है उसको एक बार लिख लेना है, एक्स प्लस को एक बार लिख लेना है, और जो बचा हुआ है एक्स माइनस टू को अगले ब्रैकेट में लिख लेना है। यही जो आपका होगा गुणनखंड होगा, और कहीं ना कहीं हर पेपर में आपको ये गुणनखंड का हर प्रश्न पूछा जाए, सेम टू सेम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। तो इसको आप ज़रूर करके जाइएगा, इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, इसका आपको 2 नंबर आपको पक्के कराएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से, कोई वृत्त दिया है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न को। पहले प्रश्न को दो बार पढ़िए। किसी वृत्त के केंद्र, माना एक वृत्त बनाना है, सबसे पहले उसका केंद्र देखना है। आगे बढ़ते हैं, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहीं पर भी ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, हमने मान लिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूरी ले लिया। 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा, एक जीवा खींच दिया, जीवा की लंबाई हमको दी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है फ्रेंड, 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो जीवा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। देख हमको और जीवा खींचनी है कितनी दूरी पर फ्रेंड, ये तो 5 सेंटीमीटर, उसी जीवा से एक मान लो यहाँ पे एक जीवा और खींच दिया गया है तो वो 12 सेंटीमीटर पे आए, तो 12 सेंटीमीटर की हमको बताना है जीवा की लंबाई, 12 सेंटीमीटर दूर पे स्थित पे जीवा की लंबाई याद करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमारा फिगर बन गया, सबसे पहले हमने समझ लिया कैसे करना था हमको, हमने एक वृत्त खींचा, वृत्त के सेंटर पर गए, सेंटर पर क्या किया, सेंटर से उसने बोला 5 सेंटीमीटर दूरी पे क्या है, एक जीवा है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, हमने लिख दिया 24 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बोला उसी केंद्र से एक 12 सेंटीमीटर दूरी पर फिर क्या, एक जीवा हो रहा है, तो उसने पूछा है जो दूसरी वाली जीवा बन रही है उसकी हमको लंबाई ज्ञात करना है। अगर फ्रेंड सेंटर से हम इस जीवा को मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं केंद्र, त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या केंद्र से जीवा तक के, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। देख दो लाइन हमने खींच दिया यहाँ से यहाँ तक के, उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, त्रिज्या। सेम टू सेम इसमें भी खींच लिए ऊपर वाले में भी, यानी त्रिज्या हर जगह सेम होगी, चाहे यहाँ खींच लिए यहाँ खींच लिए यहाँ खींच लिए, त्रिज्या तो हर जगह बराबर होगी। तो पहले वाले त्रिभुज से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, ये निकल जाएगा। अगर हमें ये निकल जाएगा तो सेम टू सेम त्रिज्या इसकी भी होगी, जब इसकी त्रिज्या मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं हमको क्वेश्चन करने के में आसानी हो जाएगी। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले बात करते हैं फ्रेंड, क्या हमको दिया है, जो ए बी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, जो पहले वाले में ए बी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर, इसने दिया था शुरुआत में। ए पी इसको वाले हमको, ए पी कौन सा फ्रेंड, यहाँ से आधी दूरी क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्यों कहलाएगी, जब ये केंद्र से, एक प्रमेय होती है केंद्र से क्या हम जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि अगर ये 24 का है तो ये 12 का हो जाएगा, ये भी 12 का हो जाएगा। प्रमेय होता है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में विभाजित करता है। अब इसमें दो भागों में विभाजित करेगा, यानी तो सेम टू सेम भाग भाग में इन दो भागों में बराबर बराबर वो बांटेगा, यानी कि जो 24 सेंटीमीटर की जीवा थी वो किसमें टूट गई, 12 सेंटीमीटर में। अब हमको पता चल गया ए पी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई, ये और पी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, सेम टू सेम पी से लेकर के बी के बीच की दूरी कितना जाएगी, 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं त्रिभुज, अब हम त्रिभुज लगा रहे हैं, जो ऊपर वाला हमारा त्रिभुज बन रहा है ये ओ ए और बी, इस त्रिभुज में हमको पता है कि ये हमने क्या मान लिया, इसको एक अपने मन से ड्रॉ किया था, इसको ये त्रिज्या हमारी है, तो हम त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये यहाँ तक का कौन कौन सा है, ए पी ओ में पाइथागोरस थ्योरम, यानी ए पी ओ में नहीं फ्रेंड होगा, ए पी क्यू में होगा, क्योंकि यहाँ पे ए पी क्यू में होगा, इसको ध्यान में देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है हमको मिस प्रिंटिंग हो गई यहाँ पे।
ये देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगता है, जिसमें 90 डिग्री कोण होता बनता है। तो कहीं ना कहीं इसमें 90 डिग्री यहीं पे बन रहा है पूरा ये वाला, तो हमारा ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और पी, यानी त्रिभुज यहाँ पे लिख लिया जाए ए ओ पी से। सही है सही है, ये भी है सही, यानी त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से जो हम लगाएंगे तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या मुझे नहीं पता है लेकिन ये पता है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे ये अलग कर्ण निकाल सकते हैं, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकाल सकते हैं। ये हमारा लंब हो गया या आधार हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी ए ओ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर कर दिया क्या है, यहाँ से ए ओ के बीच की दूरी क्या हुई, कर्ण हुई, तो उसका स्क्वायर और दो भुजाएँ कौन कौन सी है, ओ ए पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर उसके बाद ये ओ पी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का योग क्या हो जाएगा कर्ण के बराबर, थे बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसमें हमने लगा दिया, तो इस प्रकार इसको ए पी का मान कितना दिया है, ए पी का मान हमने यहाँ पे देखा 12 सेंटीमीटर है। ओ पी का मान कितना फ्रेंड दिया, ओ पी का मान 5 सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटर में दिया है, यहाँ ये वाली दूरी यहाँ से तक की, तो ये 5 रख दिया, यहाँ पे 12 रख दिया, टोटल क्या किया 144, और इसका स्क्वायर किया 12 का 144, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो गया 169, तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया। अब यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में चलने के बाद क्या हो जाएगा फ्रेंड, अब अंडर रूट से अगर हम 169 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो हमको पता होगा 13 का स्क्वायर होता है अंडर रूट, यानी 13 का स्क्वायर होता है 169। तो क्या होगा, ये 169 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, जिसको नहीं निकालना आएगा एलसीएम लेकर ही निकाल लेगा। अब फ्रेंड हमको क्या मिल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई, यानी कि ये जो है ये हमारा त्रिज्या, कहीं ना कहीं त्रिज्या हमारा निकल गया। जब त्रिज्या पता चल गई तो सेम त्रिज्या हर जगह सेम होगी, चाहे जहाँ खींचेंगे सब जगह त्रिज्या क्या होती है फ्रेंड, सेम होती है। तो यानी कि ये भी हमारी अब त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की, ओ सी भी त्रिज्या है, या तो ये भी हम निकाल सकते हैं। तो अब हमको इसका, हमें यही पूछा था कि हमको ये जो लास्ट नीचे वाला है, जो नीचे में इतने क्या नाम है हमारा जीवा, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो कहीं ना कहीं अगर त्रिज्या हमको निकल जाएगी, ये हमको दिया है, अगर ये वाली चीज़ हम निकाल ले गए हम, तो हम आसानी से जीवा की लंबाई बता सकते हैं। अब देखते हैं अगले त्रिभुज में बात करते हैं फ्रेंड, तो ओ ए सी, ओ ओ ए और ओ सी, यानी कि जो हमारे यहाँ से ये जो त्रिज्या है और ये त्रिज्या, हर जगह त्रिज्या सेम होगी, तो ये त्रिज्या कितनी आई ऊपर वाली है, वो तो ऊपर वाली त्रिज्या 13 आई, और इसी प्रकार ये भी त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ये अब हम देखेंगे ये त्रिभुज कौन सा है फ्रेंड, ओ नीचे क्या है, नीचे हमारा है क्यू, ये त्रिभुज बना उप नीचे वाले का ओ और क्यू वाले में देखेंगे, और क्या नाम है सी, ये हमारा 13 सेंटीमीटर आ गया। कैसे निकाले, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या से ये 13 सेंटीमीटर, त्रिज्या हर जगह सेम होती है। ये हमको दिया, ये हमको हमको ज्ञात करना है, ये हमको पता नहीं है क्वेश्चन मार्क्स, ये हमको दिया है 12 सेंटीमीटर। अब हमको फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये कर्ण हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, अब त्रिभुज कौन सा है फ्रेंड, त्रिभुज है ओ क्यू सी में हम लगाएंगे, तो हमें पता है ये जो कर्ण हमारा यहाँ से यहाँ तक का है, तो यानी कि ओ सी का स्क्वायर और दो भुजाएँ कौन सी है, ओ क्यू का स्क्वायर और सी क्यू का स्क्वायर, इसका सी क्यू के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। हमें पता है ओ क्यू कितना है फ्रेंड, वहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर रख दिया। सी क्यू हमको पता करना है, सी क्यू हमको नहीं पता, यहाँ वाली दूरी हमको नहीं पता है, और ए सी का मान दिया है, कैसे निकाले थे त्रिज्या से, इसका 13 का 169 हो गया, और 12 का फ्रेंड इधर भेजेंगे तो 12 से 144 हो जाएगा। 169 में से 12 घटाएंगे, 144 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। सी क्यू, सी क्यू की पावर ये स्क्वायर लगाता है, अंडर रूट में चला गया, अंडर रूट से 25 को बाहर निकाल जाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमको जब 5 पता चल गया, क्या पता चल गया, यहाँ यहाँ कित तक की दूरी हमको 5 पता चल गई। तो हम देखते हैं फिर से एक क्या, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में विभाजित करता है। यहाँ पे अगर हमको 5 पता चल गया तो ऑटोमेटिकली भी 5 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जीवा को दो भागों बराबर भागों में बांट रहा है, तो यानी कि अगर ये 5 पता है तो हम ये दुगुना कर देंगे, टोटल हमारा पता चल जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या किए, अतः केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पर लिखे, इसलिए सी डी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, दुगुना हो जाएगा सी क्यू के, जो हमारा सी क्यू होगा, सी क्यू देख लीजिए यहाँ पे, सी क्यू का हमारा दुगना हो जाएगा। तो
हम दुगना यानी 5 सेंटीमीटर है इसका दुगना कर देंगे, यानी कि जो जीवा हो जाएगी कितना हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं जो 12 केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। यही हमको ज्ञात करना था। जो सेकेंड वाली जीवा थी हमारी उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी थी। ये पहली जीवा ये हो गई थी, पहली जीवा ऊपर वाली थी, और ये हमको पहली जीवा की लंबाई दिया था, दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात करना था। तो हमने त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या निकालने के बाद हमको ये पता था, ये पता था, ये हमको पता चल गया 5 सेंटीमीटर, 5 का दोगुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 5 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। टोटल कितने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। बस यही आपको करना था। कैसे करना था? पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक बार यहाँ लगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा एक बार यहाँ पर लगाएं, दोनों त्रिभुज में लगाए थे, एक बार छोटे वाले त्रिभुज में इसमें लगाएं, फिर एक बार इसमें लगाएं। बस इतना ही करना था आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्या कहता है फ्रेंड? 15 हमको दिया है 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। आइए समझते हैं पहले क्या कह रहा है प्रश्न। ये हमारा क्या है फ्रेंड? एक घन है, क्यूब है। अब बोल रहा है कि आपसे एक और घन इसी के पास सटा के रख दिया गया, एक घन और इसी के पास सटा के रख दिया गया। ये बना आपका एक घन और इसके पास सटा के रखने पर क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया, यानी कि घनाभ बन गया। अब घनाभ में क्या क्या आपको दिया फ्रेंड? सबसे पहले देखते हैं 10 सेंटीमीटर यहाँ पे बना के दिखाया गया, आप देख लीजिएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को जो भुजा उसकी दी है, यानी कि भुजा एक भुजा का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको दिया क्या है सबसे पहले लिख लीजिए, घन की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। दो घनों को सटाकर रखने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई, अब दो से दो घन, एक घन की लंबाई 10 सेंटीमीटर, अगले घन की 10 सेंटीमीटर, यानी दो को सटा के रखने पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को सटा के रखने पर कितना मिल गया उसकी लंबाई? लंबाई बढ़ के कितनी हो गई फ्रेंड? 10+2 यानी 20 सेंटीमीटर हो गया। जब लंबाई 20 सेंटीमीटर हो गई, चौड़ाई कितनी दी है? क्योंकि जो क्यूब होता है हमारा फ्रेंड, क्यूब में हर जगह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जगह सेम बराबर होती है, यानी लंबाई ये भी हो गया, चौड़ाई भी ये हो गया, और क्या नाम है ऊंचाई भी ये हो गया। तो अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10, ऊंचाई भी 10। पर क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता, क्यूबॉइड में हर चीज़ चेंज हो जाता है। अब उसी घन को सटा के रखा गया तो कहीं ना कहीं आपको उस लंबाई में चेंज मिलेगा और सब ऊंचाई और क्या चौड़ाई सेम रहेगी। तो हमको चौड़ाई भी 10 हमारा तब रहेगा और ऊंचाई भी 10 रहेगा। ये आपको इसी क्वेश्चन में दिया, उसी से समझ के निकाल लेना है। सिर्फ लंबाई क्या हो जानी है? 20 हो जानी है। जब कोई लोग बढ़ा के लगा रहे हैं वही तो वही सेम टू सेम घन है ना, बस आगे बढ़ा के लगा दे रहे हैं, तो ऊंचाई और क्या होगा चौड़ाई सेम रहेगी। तो चौड़ाई ऊंचाई और चौड़ाई सेम है, चूँकि हम जानते हैं क्या पूछा आपसे? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसका फार्मूला होता है, इसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का? फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई क्या होता है एल इंटू बी लंबाई गुड़े चौड़ाई प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यानी जो क्या करना है कि एक बार एल का मान फिर बी का फिर गुड़े का निशान लगाना है इन दोनों के बीच में, फिर प्लस कर देना है इस प्रकार के। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला याद करना है, 2 ब्रैकेट में क्या होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ब्रैकेट बंद करना है, सबका मान पुट कर देना है, एल का बी का फिर बी का एच का फिर एच का एल का, क्योंकि तीनों का मान हमको दिया है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, लंबाई दिया है। इसको एल बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको एच को ऊंचाई को एच बोल देंगे। यानी जो हमारा चौड़ाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेथ बी हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी एच हो जाएगी, और एल हमारा लंबाई हो जाएगी। एल का मान रख देंगे, बी का मान रख देंगे, फिर बी का फिर एच का फिर एच का फिर बी का, इन सब का मान पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखेंगे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे जब फ्रेंड, यानी 20 × 10 यानी 200 हो गया, 10 × 10 100 हो गया, फिर 10 × 20 यानी 200। टोटल ऐड किए कितना गया? 500। 500 को 2 से गुणा किए, 2 फार्मूले का था, कितना गया 1000। तो यही जो 1000 सेंटीमीटर जो हमारा क्षेत्रफल होता है हमेशा किस में होता है? स्क्वायर में होता है। तो यानी कि सेंटीमीटर में दिया था तो हमारा जो क्षेत्रफल भी आएगा वो किस में आएगा? स्क्वायर में। आयतन हमेशा क्यूब में आता है, किस में आता है फ्रेंड? क्यूब में। घात जो होती है कि पावर 3 होती है, क्योंकि इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, और ऊंचाई भी होता है, बी एन टू एच हो जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं ये भी मीटर में गुणे मीटर, मीटर मीटर 3 बार हो जाएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है, तो लंबाई चौड़ाई में फ्रेंड क्या होता है कि यहाँ पे क्षेत्रफल में हमेशा हम दो ही चीज़ स्क्वायर निकालते हैं, यानी कि क्षेत्रफल में क्या होगा एरिया का स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 1000 कैसे निकल के आ गया, कैसे आया? फार्मूला
अप्लाई किए। सबसे पहले हमें जो दिया था लिख लिए थे गन की भुजा 200 टांके के रखने बाद वो लंबाई बढ़ गई, चौड़ाई ऊंचाई सेम रही। और क्या कर दिया उसके बाद, संपूर्ण प्रश्न का फार्मूला होता है टू ब्रैकेट में एल बी बी एच एच एल, उसके बाद सबका मान रख दिए, एल बी एच का मान रख दिए। मान रखने के बाद सॉल्व कर लिए, जोड़ लिए, जोड़ने के बाद जो आया 2 से गुणा कर दिए, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज क्या मिश्र धन ब्याज से हमको निकालना है। तो बात करते हैं फ्रेंड क्या दिया है प्रश्न में, ये देखते हैं। प्रश्न हमारा ये दिया है साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन क्या करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे दिक्कत होगी 2 वर्ष 6 माह, 2+ ये वर्ष है और ये माह में है, 6 माह है। तो हमको माह को क्या करना है, सबसे पहले माह को भी वर्ष में चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिर्फ क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो 6 × 6 × 12 यानी 1/2। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें गिवन चीज़ें लिख लेनी है, मूलधन कितना दिया है 2500 दिया है, समय कितना दिया है 2 वर्ष + 6 माह। तो वर्ष यानी माह को भी हम किस में चेंज करेंगे कि उसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है वार्षिक दर, इसलिए हम क्या करेंगे माह को भी वार्षिक दर में चेंज करेंगे यानी साल भर में चेंज करेंगे। तो माह को जब चेंज किया तो हमने बताया कि माह को सिर्फ क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, जितना भी 2 माह 3 माह सिर्फ क्या करना है 12 से डिवाइड कर देना है। जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले काट लीजिए 6 × 6 × 12 यानी 1/2, तो यहाँ पे जब 1/2 आ जाएगा और इसको ये वाले वर्ष में यानी आधा साल को दूसरे साल में जोड़ दिए, और दूसरे साल में जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के से 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 1 यानी कि 5/2 यानी कि जो हमारा समय आ जाएगा वर्ष ये कितना आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। हमारे समय हो गया 5/2 वर्ष, और हमको दर कितना दिया फ्रेंड, दर हमेशा जो प्रतिशत में रहता हो क्या है कि साधारण ब्याज में हमेशा जो प्रतिशत में आपको देखिए हो क्या करें उसको लिख देंगे सीधे दर लिख लेंगे। दर का मान दिया है, समय भी निकल गया 5.5 वर्ष, मूलधन हो गया 25। अब हमको पता है जो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, हम सभी जानते हैं SI=2 बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P × R × T/100। पी का मान हमको दिया है रख दिया, कितना दिया है फ्रेंड 2500। आर का मान दिया कितना 6% रख दिया। टी का मान कितना है 5.5 आया, तो टी का मान भी पुट कर दिया यानी 5/2 यहाँ पर रख दिया, 6 यहाँ पर रख दिया, 2500 यहाँ पर। जो चीज़ कटने वाली काट दीजिए, 100 2 0 से 2 0 कट गया, बचे ऊपर 25, और ये 2 से काट लीजिए 6 को, तो 6 से काटे कितना बचा 3 बचा, 25 × 3 × 5 यानी कितना गया 25 × 3 × 5। तो 25 को मैंने गुणा किया 3 से और 3 के बाद गुणा किया 5 से, कितना गया तो फ्रेंड इसको 15 और 25 × 15 टोटल गुणा करने के बाद 375। ये हमारा क्या आया सिंपल इंटरेस्ट आया यानी साधारण ब्याज आया। चूँकि हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है मिश्र धन ज्ञात करना, हमको मिश्र धन जो आया था, मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, हम जानते हैं मिश्र धन क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन। सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो 375 आया था, और क्या मूलधन हमारा कितना 2500, दोनों को ऐड करने के बाद आया 2800, यही होगा हमारा मिश्र धन। तो कितना आसान है, सिर्फ इसमें क्या दिक्कत होनी थी, दिक्कत ये साहब को इसमें थी कि ये जो वर्ष आपको दिया था ये 6 महीने, जो 6 महीने भी आपको दिखा दिया था इसमें आपको दिक्कत होने लगी थी। इसमें कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, बस जो 6 महीने होता है उसको वर्ष में चेंज करना। वर्ष में कैसे चेंज करते हैं, सिर्फ 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से किसी, अगर मान लो सिर्फ 2 महीना पूछ लिया, 2 माह यानी 2 वर्ष और 2 वर्ष + 2 माह का, तो 2 माह को कैसे चेंज करेंगे 12 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 2 = 12 यानी 1/6 आ जाएगा, 2+1/6 एल्स का एलसीएम ले लीजिए, 6 × 6 = 12 और 6 यहाँ पे करना में 12+1 और नीचे का ये दोनों आपस में खड़ा हो जाएंगे 1/6 हो जाएंगे यानी कहीं ना कहीं 13/6 आपका वर्ष आ जाएगा। ये इसको बस इतना ही करना है, वर्ष में चेंज कर लेना है। अगर 2 माह पूछे, 3 माह पूछे, 4 माह, 5 माह, बस माह को क्या किस में चेंज करना है वर्ष में। वर्ष में कैसे चेंज करते हैं 12 से डिवाइड करके, फिर फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद काट दीजिए, काटने के बाद जो आंसर आता है वो आपका साधारण इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और मिश्र धन जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट और जो हम मूलधन होता है दोनों को ऐड कर देते हैं, बस सीधा ऐड करने के बाद निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अब देखिए सेम टू सेम पिछली बार यही पूछा गया था, बस केवल थोड़ा सा डिजिट चेंज किया गया है।
वही समांतर माध का प्रश्न है, समांतर माध कैसे निकालना है। तो हमने पिछले भी वीडियो में डिस्कशन किया था, उससे पिछले भी वीडियो इसके बारे में डिस्कशन किया था, इस वाले वीडियो में भी हम समांतर माध को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको दिया है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध हमको दिया है, इस बार हमको क्या समांतर माध दे ही दिया है, 21.5 कितना दिया फ्रेंड, 21.5। तो के का मान हमें ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। हमने बताया समांतर माध का कभी भी जब कर दो लाइन में लिख के आया है, दो दो कॉलम बन के आ रहे हैं, दो साड़ी बन के आ रही है, तो एक एक्स्ट्रा साड़ी आपको बना लेनी है। सीधे पहले स्केल उठाना है, स्केल उठा के सट से तीन क्या करना है, तीन तीन साड़ियाँ खींच लेनी है। तीन साड़ी कैसे खींचेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा गया हल, तो ये पद दे देंगे, यानी इसको बोल लेंगे एक्स, बारामरता यानी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। इन दोनों को ये आपको दिया है, इन दोनों को ऐसे ऐसे लिख लीजिए सीधे, जैसे यानी के भी लिखा था यहाँ पर, देखिए प्रिंट के था तो के भी इस प्रकार लिख लिया, ये के है इसलिए इसको रेड पेन से लिखा हूँ। अब इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, कैसे करते हैं यहाँ पे करके दिखाया गया, 5 × 6 15 × 4 25 × 3 35 × k 35 का के में गुणा करेंगे तो 35 के आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ध्यान में रखिएगा, 42 × 2 यानी 90। ये गुणा करने के बाद कितना आया फ्रेंड, गुणा करने के बाद ये क्या, ये आ गया आपका ऊपर का आ गया 30 60 75 या 35 और या 90। अब इसका क्या करते हैं, सभी का जोड़ते हैं, तो जितने भी अंक वाले हैं पहले अंक वाले को जोड़ लीजिए, ये 35 के को से छोड़ दीजिए पहले, यानी जब सबको जो 35 के को बाद में ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, यहाँ जैसे यहाँ पे ऐड किया गया है, इन सबको जोड़े तो 255 आया, कितना आया 255। अब प्लस 35 के को अलग से लिख लीजिए, 35 के इस प्रकार इसको जोड़ेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी जोड़ने में। सेम टू सेम इधर वाला भी जोड़ लीजिए, तो 6 × 4 = 10, 10 × 3 = 13, 13 × 2 = 15 यानी 15 हो गया, और जो के वाला है के को प्लस के साथ ऐसे लिख लेना जैसे यहाँ पे लिखा है, यानी 15 + k इस प्रकार हमने लिख लिया। अब हम अगला क्या हमारा प्रोसेस होता है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमको पता होना चाहिए, समांतर माध का फार्मूला होता है, समांतर माध बराबर क्या होता है, समीशन एफेक्ट्स, यानी जो हमने गुणा करने के बाद ये वैल्यू लाई ये वाली, समीशन एफेक्ट्स अपान एन, एन क्या होता है ये वाला, ये जोड़ने के बाद जो आता है, बस उनको पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। हमें क्या क्या दिया था फ्रेंड, ऊपर समांतर माध का वैल्यू दिया था, यहाँ पे देखिए 21.5 ऊपर दिया है, ये देखिए 21.5 समांतर माध का मान दिया है, तो हमने देख लेते हैं। तो फार्मूला हमने लिखा, फार्मूला फ्रेंड क्या हमारा फार्मूला हुआ, समांतर माध इक्वल टू होता है समीशन एफेक्ट्स अपॉन एन, समांतर माध का वैल्यू दिया है 21.5 रख दिया, ये अभी हमने क्या कितना निकाला था, ये ऊपर निकाला था, इसको यहाँ पे पुट कर दिया पूरा 255 35 के, और एन का मान कितना है यहाँ पे, एन का मान यहाँ पे, इसको भी हमने यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद फ्रेंड हमने क्या किया, इस वाले को तिरेक गुणा करा दिया, यहाँ पे वन मान लीजिए, इसको इसके साथ गुणा करा दिया, अब इसको इधर भेजे तो ये हो गया ब्रैकेट में 15 + k और 21.5। अब 21.5 को हम अंदर भेजेंगे, यानी 21.5 से गुणा कराएंगे 15 से और 21.5 को k से, इसका गुणा कराए तो 322.5 आया, और 21.5 को k से कराया तो 21.5 k आ गया, ये 255 ऐसे रहने दिए, 35 के ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए फ्रेंड जो k वाला है k को एक तरफ भेज दीजिए, और जो अंक वाले हैं अंक वाले को एक तरफ भेज दीजिए, तो हमने क्या किया k वाले को उठा करके यहाँ भेज दिया, और जो अंक वाले जो इधर से चले गए, तो ये 35 के यहीं पर रहने दिए, 35 के जो था हमारा वहीं पर रहने दिया, और जो ये 21 के था इसको भेज दिया यहाँ पर, तो 35 के माइनस का 21 के, और अंक वाले अंक के पास यानी 322.5 में से 255 जब घटाया तो कितना गया 67.5 आ गया, 35 में से 21.5 के घटाया तो कितना गया 13.5 के। अब हमको के निकालना होता है, जिसको हम निकालते हैं कि उसको बाई साइड में लिख लेते हैं, बाई साइड में जब लिखा के इक्वल टू कितना हो जाएगा, के 67.5 डिवाइड कर देंगे कितने से, 13.5 से, जब इसको डिवाइड किया फ्रेंड कितना गया 10.5 उठ गया, या तो 35 को इसको जब काटे हैं तो यहाँ पे काट के दिखाया गया, आप काट लीजिएगा, काटने के बाद जो वैल्यू आई कितनी आ गई फ्रेंड 5 आ गई। तो बहुत आसानी से इसको हमने के का मान निकाल लिया। अब एक बार इसको और देख लेते हैं, सबसे पहले क्या किया, तीन लाइन खींचिए, के का मान नहीं दिया तो उसको ऐसे ऐड कर लेना है, इसको गुणा करने के बाद ऐड कर लेना है, समीशन फार्मूले में वैल्यू पुट किया, समीशन एफेक्ट्स का मान रख दिया, एन का मान रख दिया, ये नीचे को ऊपर से तीर गुणा करा दिया, इसको इसके साथ गुणा करा दिया, इसके साथ फिर 21 को इसके अंदर इसके साथ दोनों के साथ कराया, गुणा करने के बाद दिया गया, जो अंक वाले थे अंक वालों को एक तरफ भेज दिया, की वालों को एक तरफ भेज दिया, दोनों में से घटा करके 67 आ गया, यहाँ पे 13.5 आ गया,
फिर केक को एक तरफ रखे, उसके बाद 67 को 13 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद केक का मान आ गया 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, इस सेकेंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं इसमें क्या करना है फ्रेंड। सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन पिछले भी साल पूछा गया था, इसमें भी यही पूछा गया है, बस थोड़ा सा बढ़ा के पूछा गया, 2 नंबर में पूछा गया। फ्रेंड ये क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे पहले 3 चीज़ें जान लीजिए, इसमें 3 रूल अप्लाई होंगे। कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे तो पहले देखते हैं। पहले पढ़ देते हैं प्रश्न कहता क्या है, हमें सॉल्व क्या करना है, निकालना क्या है। हमें एक चित्र दिया है जिसमें एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और हमको एक एंगल दिया है, एंगल ओ बी सी 15 डिग्री, यानी कि ये जो हमारा है बी वाले जो सेंटर वाले की बात कर रहा है, सेंटर वाला कितना 15 डिग्री है, और हमको एंगल बी ए सी यानी बी ए सी मतलब है जो ये वाला हमको ज्ञात करना है, ये वाला और साथ ही साथ बी ई ई यानी ये और ये हमको बताना है। इसको सॉल्व करने से पहले आप 3 चीज़ समझ लीजिए, इसको तीन तो इसमें 3 रूल अप्लाई होंगे, तीनों रूल को आसानी से आप पीछे पढ़े होंगे, पीछे भी समझाया गया है, इस बार फिर से समझा दे रहे हैं, जिससे आपको एक क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले रूल इसमें क्या अप्लाई होंगे फ्रेंड, ये अगर हमारा केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, सेम है, ये हमारी खींच रही है, ये एक त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं त्रिभुज बन रहा है ना। तो अगर एक एंगल आपको ये 15 दिया है ना, तो ये भी आपको 15 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि ये हमारा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके आमने सामने का कोण कितना होता है फ्रेंड, बराबर होता है। अगर आपको एक कोण पता है 15 डिग्री, अगर आपको एक कोण पता है 15 डिग्री का फ्रेंड, एक कोण अगर आपको पता है 15 डिग्री का, क्योंकि अगर दो भुजाएं बराबर हो तो अगर 15 डिग्री है तो इसके सामने वाले इधर वाली क्या हो जाएगी, इस वाली भुजा के सामने वाली भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी ये तीनों भुजाओं का जो होता है सम कितना होता है, 180। अगर आपको दो भुजा पता है तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं, जैसे तीसरी भुजा निकालेंगे तो उसके बाद हमको दूसरा नियम इसमें देखिए क्या लगेगा। अगर कोई त्रिभुज है, कोई अगर सर्कल है, सर्कल के केंद्र पर बना कोण किसी वृत्तखंड से, कोई रेखाखंड है, रेखाखंड से क्या होगा केंद्र बना, उसी रेखाखंड से परिधि पर बना कोण क्या होता है, जो परिधि वाला कोण होता है वो आधा होता है, और जो केंद्र पर होता है तो 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे तो थीटा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है जो परिधि वाला कोण होगा वो आधा हो जाएगा और जो केंद्र पर बनेगा वो ज़्यादा रहेगा। अगर ये थीटा है तो ये दुगुना उसके रहेगा। अब हमने क्या करेंगे इसमें, जो हमको हमने देख निकाल लिया था पहले केंद्र वाला कोण, जब केंद्र वाला निकालेंगे तो हमारा ऊपर वाला लिमिट पता चल जाएगा। कैसे करेंगे, जो एंगल यहाँ पे आएगा उसका हम उसका जस्ट आधा कर देंगे, यानी अगर 80 आता है तो उसका हम आधा कर देंगे, 40 हो जाएगा। अब 40 हो जाएगा तो फिर तीसरा हमारा इसमें रूल कौन सा अप्लाई होगा, तीसरा प्रमेय इसमें अप्लाई होता है चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज क्या होता है फ्रेंड, चक्री चतुर्भुज हमने बताया जो कर ऐसा चतुर्भुज जो जिसके जो शीर्ष होते हैं चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज का शीर्ष किससे टच करना चाहिए, परिधि से टच करना चाहिए, उसको बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। यानी कि एक अगर सर्कल है तो सर्कल में ऐसा बनाइए, ऐसा चतुर्भुज बनाइए जो कि उनके शीर्ष किस पे टच करते हों, परिधि पे टच करते हैं, तो उसको बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ए बी ई सी और क्या नाम है, एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। तो आपको एक तो चक्री चतुर्भुज पता होना चाहिए क्या होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, और तीसरा होना चाहिए कि अगर कोई दो भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है फ्रेंड, बराबर होता है, यानी कि अगर ये कोण दे दिया तो ये वाला भी कोण सेम हो जाएगा। अब भुजा कैसे बराबर होगी इसमें, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का यहाँ पे किसी भी सर्कल में अगर कहीं पर क्या सेंटर से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। अगर एक त्रिज्या पता है तो जितनी भी त्रिज्या खेल लीजिए सब क्या हो जाएगी, सभी त्रिज्याएं सेम होंगी। तो आइए प्रश्न को देखते हैं, तीन अगर आपने 3 रूल समझ लिए हैं तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको समझाऊंगा। सबसे पहले हमको दिया है, क्या दिया है, एंगल ओ बी सी बराबर 15 डिग्री, तो इसलिए एंगल ओ सी बी बराबर कितना जाएगा 15 डिग्री, यानी ये एंगल दिया है तो ये एंगल निकाल लिया। अब एक ही क्यों है, एक ही जीवा तथा वृत्त की त्रिज्या से बने कोण बराबर होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए।
एक ही जीवा तथा वृत्त के त्रिज्या से बने कोण क्या होते हैं, सेम होने चाहिए, बराबर होते हैं। तो यहाँ भी 15, ये भी 15। अब हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो तीनों अंत कोणों का योग होता है कितना होता है, 180। यानी एंगल बी, एंगल सी, एंगल ओ कितना हो जाएगा, ये और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, टोटल मिला करके 180 डिग्री, जिसमें से हमको ये 15 15 डिग्री दिया है और एंगल ये सी वाला हम ओ वाला हम निकालेंगे। यानी 15 15 30 हो गया, 30 को उधर भेजे फ्रेंड, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा। अब माइनस का 30 हो गया तो 180 में से 30 घटाया तो कितना आ गया, जो सेंटर वाला कोण हो गया वो उसका मान आ गया 150। यानी कि कहीं ना कहीं आपको सेंटर का मान क्या निकाल लिया, जब सेंटर का पता चल गया तो आप जानते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, जो केंद्र वाला दुगना होता है। यानी कहीं ना कहीं ये वाला आप निकालेंगे एंगल ए, जब निकालेंगे तो उसका क्या कर देंगे, उसका जो सेंटर वाला है उसके ओ वाले कोण का आधा कर देंगे। तो वाला 150 डिग्री आया था, 125 का आधा करेंगे, 150 का आधा करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड 75 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल 1/2 एंगल ओ का आधा करेंगे। तो कैसे, क्या प्रमेय इसमें अप्लाई होता है, लिखा भी है गया है इसमें, देख लीजिए आप। केंद्र बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, जो सेंटर पर होता है दुगना है। तो हमें परिधि पर निकालना, तो यानी केंद्र वाले को आधा कर देंगे, केंद्र वाले को आधा किया तो 75 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चक्री चतुर्भुज, हमने चक्री बताया था, चक्री चतुर्भुज बन रहा था, चक्री चतुर्भुज कौन कौन सा बन रहा है देख लीजिए हम, ए बी सी सी ए, ये क्या है, एक चक्री चतुर्भुज है। अतः सम्मुख कोण सम्पूरक होंगे, सम्पूरक मतलब क्या होता है फ्रेंड, सम्पूरक किसे कहते हैं, जिसका जो सम होता है कितना होना चाहिए, 180। आमने सामने का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री को हम खोलते हैं सम्पूरक कोण, और 90 डिग्री जो कोण कहलाता है पूरक कोण कहलाता है। सम्पूरक और पूरक पूछा भी गया है कि सम्पूरक कोण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे 180 डिग्री को। यानी इनके आमने सामने का जो सम होगा देख लीजिएगा, आमने सामने का जो सम होगा ई के सामने और ई वाला ए के सामने, आमने सामने का यानी एंगल ई प्लस एंगल ए, इनका सम किसके बराबर है, 180 डिग्री के। सम्पूरक मतलब होता है 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है आपको पता है, तो उसमें से एक एंगल आपको पता है, कौन सा पता है फ्रेंड, एंगल ए पता है, कितना डिग्री आपको पता है, 75 डिग्री। एंगल ए 75 डिग्री पता है, कहाँ से निकाला था, यहाँ से निकाला था। और एंगल ई हमको निकालना है, तो 75 में से 75 को इधर भेजेंगे, 75 कर देंगे, 75 करने के बाद कितना हो जाएगा, 180 में से 75 घटा लिए, 75 घटाने के बाद जो आंसर आएगा 105 डिग्री। तो 105 डिग्री ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको छोटा कर दे रहा थोड़ा, पूरे क्वेश्चन को हमें दिया है, चित्र दिया है, ये देख लीजिए अब चित्र दिया है, इसमें तीन चीज़ अप्लाई हुई, चक्री चतुर्भुज अप्लाई हुआ, एक केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, एक क्या हुआ कि जो हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या से हमने क्या किया, निकाल लिया एंगल, एंगल निकालने के बाद इसको सॉल्व किया, तीनों तरीका अप्लाई करके यहाँ पे निकाला गया है और आंसर आया 105 डिग्री, और ऊपर वाला जो एंगल ए का मान आया है 75 डिग्री। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे अगली आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2019 के जो लास्ट ईयर के पेपर पूछे गए तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इससे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सकेगी। धन्यवाद दोस्तों।